मेरे साथ इस समय इस क्षेत्र की विधायक हैं पूनम देवी यादव, वो साथ में खड़ी हैं और वो इस जगह से लगातार 4 बार विधायक रह चुकी हैं। इनका ये सारा पीछे हुजूम खड़ा है, ये खगड़िया की विधायक रही हैं और अभी हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि इस बार के चुनाव में उन्हें क्या लग रहा है। आप 4 बार जीत चुकी हैं, पांचवी बार आप मैदान में हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार, आपकी क्या इस बार जनता परिवर्तन चाह रही है या फिर जनता आपको विधानसभा में? जनता फिर से पूनम यादव विधायक चाह रही है और जो हमने काम किया, जो खगड़िया के धरती पर मान सम्मान दिया और विकास करने का काम किया, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार में किया और खगड़िया में हम चढ़ भर के जो विकास किया, आज जन सैलाब मेरे पक्ष में उमड़ पड़ी है। सिर्फ चाहता है कि मेरा विधायक पूनम यादव हो, जो हमने दुख सुख में हर हमेशा हम जनता के बीच रहने का काम किए 5 साल। पूनम जी आप ये बताइए, तेजस्वी जी लगातार हर मंच से कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है और पहले बीजेपी ये गाना गाती थी महंगाई डाइन मार जात है, अब क्या महंगाई बीजेपी वालों की भौजाई हो गई है, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जनता जो है इस बात से आपसे इस बार नाराज हो जाएगी? देखिए हमारे यहाँ की जनता जन सैलाब आपको देख रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं है खगड़िया विधानसभा में, ना ही नरेंद्र मोदी जी से ना ही मुख्यमंत्री जी से है। और जो हम इस धरती पर काम कर रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं जो कर रहे हैं कि बेरोजगारी दूर करेंगे, हम उनसे कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर, जब आपने पथ निर्माण मंत्री था, विभिन्न पदों पर विराजमान थे, आपने उस समय कहाँ गया था? आपको उसी समय ये बात को रखनी चाहिए, आप सत्ता में थे, उप डिप्टी सीएम थे, आपने क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठाया और सत्ता के भोगते रहे, लेकिन एक बार आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। तो जनता जान रही है, उसका ढकोसला है, उनके ऊपर भी उनके परिवार में थे, जिस नाम पर जाति और पार्टी के नाम पर वोट लेने का काम किया, कितने को रोजगार दिया 15 साल के राज में, कितने को बेरोजगारी दूर किया, तो जनता जान चुकी है उनका झूठा वादा है, बेरोजगार को रोजगार देंगे नीतीश कुमार, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, कलम दिया बेरोजगार को तो नौकरी भी बेरोजगारी भी नीतीश कुमार हमारे आदमी नेता ही करता है। ये कहा जा रहा है कि प्रखंड स्तर पे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, इस बार जनता उससे त्रस्त है। कई लोग ये कहते हैं कि आपका 5 साल पहला बहुत बढ़िया था, दूसरा 5 साल उससे थोड़ा कम हुआ और ये 5 साल बेहद खराब रहा, भ्रष्टाचार चरम पर है, लोग परेशान हैं, इस बारे में आप क्या कहती हैं? लोग परेशान नहीं हैं, जो हमारी माता बहनें हैं आज आप देख रहे हैं, कोरोना काल में भी चाहे वो भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, गरीबों को 5-5 किलो चावल देने का काम किया और जो राशन देने का काम किया, जो हमारे श्रमिक भाई थे विभिन्न प्रदेश में, उनको 1,000 रुपया उनके खाते में देने का काम किया, और हमारे नेता जो काम कर रहे हैं, जहाँ तक भ्रष्टाचारी की बात है, हमारे सरकार को सब दिन चाह है फिर से 2020 में नीतीश कुमार जी ही बिहार में आएंगे, कोई नहीं आने वाला है। और भ्रष्टाचारी की बात है, हमारे नेता कहते हैं कि निर्दोष फंसेंगे नहीं, दोषी बचेंगे नहीं, भ्रष्टाचार में जो लिप्त है उस पर कार्रवाई हो रहा है और वो बच नहीं रहे। ये प्रधानमंत्री जन आहार योजना की बात करें, जन कल्याण योजना की बात करें, शौचालय योजना की बात करें, इंदिरा आवास योजना की बात करें, इन सब को लेकर के आपको क्या लग रहा है कि लोग NDA को ही वोट करेंगे? क्योंकि आम लोगों का ये मानना है, जनमानस में ये आवाज़ उठ रही है कि ये योजनाएं जनता तक पहुंचते पहुंचते उस बीच में बिचौलिए बहुत आ जाते हैं। देखिए बिचौलिए पर भी कार्रवाई, हमने कहा जो भ्रष्टाचार में लिप्त है हमारी सरकार के, हम लोगों के विधायक के संज्ञान में आता है, हम उस पर जो है एक्शन लेने का काम करते हैं, उनको पहल करने का काम करते हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री इंदिरा आवास है, जहाँ जो प्राथमिकता के आधार में जिस पंचायत में अगर आता है, अगर कोई शिकायतें हैं हम तक पहुँचाएंगे या हमारी सरकार तक, निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होने का काम करेंगे। अब मेरा एक आपसे पारिवारिक सवाल है, आप
यहाँ की लोकप्रिय उम्मीदवार भी हैं, विधायक भी हैं, 4 बार से विधायक रही हैं, लेकिन बाहुबली परिवार से भी आती हैं और आपके परिवार के ही अंदर मतभेद होता। आप जेडीयू से लड़ती हैं, आपके परिवार से लोग आरजेडी से लड़ती हैं। अब बताइए, इस बार क्या सब लोग एक साथ हैं या इस बार भी परिवार के अंदर मत का जो है मनभेद है और मतभेद है? देखिए, कोई मतभेद नहीं है। जनता के हक हुकूक के लिए, महिलाओं के हुकूक के लिए, नौजवानों के हुकूक के लिए, बुजुर्गों के हुकूक के लिए, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, अधिकार के लिए जो है हमारे घर में कोई अलग नहीं है, सब साथ है। एक मत होकर के पूनम यादव को, पहले है परिवार तब है बारी, तो परिवार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कृष्णा जी प्रचार कर रही है, डोर टू डोर कैंपेन वो कर रही है। पूनम यादव के जोश को देख के लग रहा है कि फिर उनका विजय पताका शायद जरूर फहरेगा, शायद मैं नहीं बोलूँगा, आपका जोश बता रहा है। लेकिन क्या पूनम यादव को कृष्णा यादव, श्रीमती कृष्णा यादव पूरी तरह से समर्थन दे रही हैं? कहने पहले घर है, परिवार है, तब बाहर कुछ है, पार्टी कुछ है। कृष्णा यादव का परिवार में पूर्ण समर्थन है और वो सभी जगह जा रही है डोर टू डोर। मेरा अंतिम सवाल है, क्या ये जन सैलाब आपकी लोकप्रियता का परिचायक है या आपके बाहुबल का? देखिए देखिए, जनता बोलेगी देखिए, जो हमने खगड़िया की धरती पर 2005 से, जब हम, ये पांचवी बार मेरा होगा, 4 टर्म श्री नीतीश कुमार जी ने, हमारे एनडीए गठबंधन ने हम पर विश्वास किया और हमारा विश्वास उन पर है। जो हमने काम किया खगड़िया के धरती पर, आज वो दिखने को मिल रहा है और लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। लोगों का एक विश्वास है कि अगर कहीं दुख सुख में, चाहे एक्सीडेंट होता है, चाहे बाढ़ में डूब जाता है, चाहे नदी में डूब जाता है, कोई धर्म का हो, कोई जात का हो, कोई पार्टी का हो, पूनम यादव के बारे में सोचता है कि हम अपने विधायक को बुलाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। इसीलिए हर जाति के, हर पार्टी के लोग मेरे साथ चल रहे हैं और अपने विकास को लेकर के, खगड़िया के विकास को लेकर के, माननीय रणवीर यादव को मजबूती के लेकर के, अपने नेता, हम सब के नेता रणवीर यादव के लिए, तमाम जो हमारे जन सैलाब है, जो हमारे गरीब महिलाएँ हैं, भाई हैं, नौजवान हैं, अल्पसंख्यक हैं, तमाम लोग हमारे साथ हैं, रणवीर यादव के साथ हैं, नेता के साथ। धन्यवाद। तो ये पूनम यादव जी रणवीर यादव की पत्नी हैं और रणवीर यादव यहाँ बाहुबली माने जाते हैं, लेकिन देख लीजिए जिस तरह से ये कॉन्फिडेंट दिख रही हैं और सुबह सुबह प्रचार के लिए निकलने वाली हैं, उनके निकलने से पहले जिस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर खड़ा है और उनके पक्ष में लोग नारे लगा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर 4 बार की विधायिका काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार भी विजय श्री का पताका जरूर फहराएगा और पूनम यादव एक बार फिर से विजयी होंगी। TV9 भारतवर्ष के लिए खगड़िया से पंकज कुमार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।